हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म होती है स्विफ्ट फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों, जब भी हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं या किसी से पैसे मंगवाते हैं, तो उसके लिए हमने अकाउंट नंबर, उसका नाम वगैरह हम ऐड करते हैं, और उसमें एक ऑप्शन होती है स्विफ्ट कोड की। और स्विफ्ट कोड हर ब्रांच का अलग अलग होता है, तो कई लोग को पता ही नहीं होता अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या होता है, और वो बैंक के चक्कर लगाते हैं जिसमें उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ही कैसे अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से अपने जिनको पैसा ट्रांसफर करना है उनको जल्दी से अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड ढूंढने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर पे आप लिखेंगे फाइंड स्विफ्ट कोड, तो आपके सामने काफी सारे लिंक खोल जाएंगे। आपने स्विफ्ट कोड सर्च एंड टूल फाइंड टूल पे जाना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले पे आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक होगा। तो हम बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है। जैसे सिटी को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएगी, आपने दोनों को देख लेना। जैसे इसके सामने नीचे एड्रेस लिखा हुआ है न्यू दिल्ली का, और हम दूसरे को खोलेंगे, तो दूसरे का एड्रेस चेंज हो गया। जो भी आपका नियरेस्ट एड्रेस पड़ता होगा, आप वो वाला स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके आप अपना पैसा और फंड मंगवा सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो फंड है आ भी सकेगा और जा भी सकेगा बहुत ही फास्ट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।